गर्मियों के दिन में आप अगर इस तरह से करेले की सब्ज़ी आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो यकीन मानिए आप ये सब्ज़ी आप हमेशा बना के खाएंगे इसी रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। नमस्ते आप सभी को, आप सभी का एलसी ऑफिशियल कुकिंग में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ नई रेसिपी के साथ करेले की सब्ज़ी, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बगैर देर किए हुए बनाते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आधा किलो के लगभग करेले को अच्छे से धो के ऊपर से थोड़ा सा मैंने उसका छिलका निकाल लिया है ताकि थोड़ा कड़वापन न लगे। तो मैंने आधा किलो के लगभग अच्छे से करेले को एकदम छोटा एकदम बारीक बारीक मैंने कट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम बारीक बारीक ही कट करना है। अभी हम चलते हैं बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने कढ़ाई में लगभग कम से कम 6 से 7 बड़े चम्मच से मैंने तेल डाला हुआ है। थोड़ा तेल इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, अच्छे से मैंने तेल इसमें डाला है। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा ही तेल में बनाते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच जीरा डालूँगी। मैंने 8 से 10 कली लहसुन का कट करके रखा है, छोटे छोटे टुकड़े मोर डाल देती हूँ। मैंने 2 बड़े साइज का प्याज कट करके रखा था वो डाल देती हूँ। सब साथ में ही सामान डालना है, लहसुन और प्याज को साथ में डालना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इसको ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं, लाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। प्याज को एकदम बारीक ही कट करना है, मोटा मोटा प्याज नहीं कट करना है। इसको हम 1 से 2 मिनट ही स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि प्याज थोड़ा कच्चा रहेगा तभी हम उसके साथ इसमें करेले को डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हो गया है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब इसमें मैं करेले को डाल दूँगी। अच्छे से मैं चला के ले लेती हूँ। इसको मैं स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊंगी पहले, ताकि अच्छे से हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एकदम थोड़ा सा हो गया है ये। अभी इसको मैं थोड़ा सा चला देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा सामान डालूँगी। एक चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा चला देती हूँ। अब इसमें और कुछ नहीं डालना है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर की जगह अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू या आम का सीजन है तो आम भी आप इसमें थोड़ा सा कट करके डाल सकते हैं, इससे थोड़ा कड़वापन कम लगेगा। वैसे कड़वा तो नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसका छिलका उतार दिया है, तो अगर आप छिलका उतार के बनाएंगे तो कड़वा ज़्यादा नहीं लगेगा। और थोड़ा आम या अमचूर नींबू कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के ही पकाऊंगी। और इसमें अभी मैं नमक नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें बस चाट मसाला 1 चम्मच डाल देती हूँ। और इसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं डालने का है, थोड़ा सा बस नमक इसमें डालूंगी लास्ट में। अभी नमक नहीं डालूंगी मैं, इसको खुला ही पकाने का है। और ये हो चुका है, लेकिन इसको क्या है, होने के बाद ये ऐसा लगता है तो ऐसा खाने में टेस्ट नहीं लगेगा, तो क्या हम इसको थोड़ा सा क्रंची करेंगे। तो अभी गैस का फ्लेम मैं थोड़ा फास्ट करूँगी, इसको एकदम क्रंची बनाऊँगी थोड़ा। देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से क्रंची हो गया है, देखिए एकदम एकदम लाल हो गया है।
अच्छे से मैंने इसको अभी गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है थोड़ा, खाने में बहुत क्रंची लगेगा। अब मैं इसमें लास्ट में नमक ऐड करूँगी, नमक को एकदम लास्ट में डालने का, पहले से ही नमक नहीं डालने का। अभी हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा हम नमक डाल के चलाएंगे एक मिनट तक ही अभी इसको पकाएंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल ये हो चुका है। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे, फास्ट नहीं करेंगे, इसको एक मिनट तक ऐसे खुला ही पकाएंगे। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। मेरा क्रंची क्रंची करेले का सब्जी बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको आप दाल चावल के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, और गर्मी के दिनों में तो करेले का सब्जी अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है, हेल्दी भी रहता है, गर्मी में करेला खाना भी चाहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी ऐसे ही करेले का सब्जी ज़रूर बनाना, और चैनल पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।